आप चले गए हैं, नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम सब लोग की शुभकामनाएं, आप जाइए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि वो जाए पार्टी बना रहे हैं, बनाए, लेकिन जहाँ जाए तो वहाँ कम से कम कुछ दिन टिके रहे। हाँ, टिक नहीं सकते। आप पूरा इतिहास निकाल के देखिए, विधायक बने पहली बार तब से आज तक का उनका इतिहास निकाल के देख लीजिए, वो कहीं नहीं उसे टिके नहीं, कहीं नहीं। और उनकी सबसे बड़ा जो उनके व्यक्तित्व का जो खामी है वो उनका अति महत्वाकांक्षी है। इस पार्टी के अंदर जो उनका पुराना इतिहास है, उस पुराने इतिहास को देखते हुए इस पार्टी के जो भी नेता, एक नेता इस पक्ष में नहीं थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में शामिल किया। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक इतिहास में। जनता दल यू का अस्तित्व है, जनता दल यू का अस्तित्व रहेगा, जनता दल यू किसी पार्टी में विलय नहीं करेगी। पार्टी का कमजोर हो गया, पहले भी दो बार जा चुके हैं, आ चुके हैं। इस पार्टी में फिर से वापस लिया जाए, इस पक्ष में पार्टी का एक भी नेता नहीं था, एक भी नेता नहीं था। लेकिन जब उनको ज्वाइन कराने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया, मुझको भी उन्होंने बुलाया था, उपेंद्र कुशवाहा जी सामने बैठे हुए, हमने कहा था उस समय, हमने कहा था उस समय भी मुख्यमंत्री जी को, इनसे पूछ लीजिए ना क्या दिन टिकेंगे पटिया में, हमने उस समय भी कहा था मुख्यमंत्री जी को, उपेंद्र जी के सामने, कि इनसे ये ना पूछ लीजिए कि पार्टी में कितना दिन रहेंगे, तो कहे कि अब जीना मरना सब यही है, अब कहाँ जाएंगे, थक गए। हम लोगों ने कहा कि जब थक गए हैं तो इनको आराम करने के लिए जगह दे दीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर ही चलते तो बाकी तो सबकी राय थी कि उनको नहीं ज्वाइन कराना चाहिए, लेकिन सबकी राय के विपरीत मुख्यमंत्री जी ने उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया। मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा खासियत आज से नहीं, प्रारंभ से ये रहा है, सुनते सबकी है, करते अपने मन। हमने कहा था उस समय भी मुख्यमंत्री जी को, इनसे पूछ लीजिए ना कई दिन टिकेंगे पटिया में, हमने उस समय भी कहा था मुख्यमंत्री जी को, उपेंद्र जी के सामने, कि इनसे ये ना पूछ लीजिए कि पार्टी में कितना दिन रहेंगे, तो कहे जब जीना मरना सब यही है, अब कहाँ जाएंगे, थक गए। हम लोगों ने कहा कि जब थक गए हैं तो इनको आराम करने के लिए जगह दे दीजिए। जंगल राज किसको कर रहे हैं, मंगल राज किसको कर रहे हैं, दिल्ली में मंगल राज है ना अभी, अभी महागठबंधन की सरकार तो अगस्त से चल रही है, कौन सा जंगल राज, इससे ज्यादा अपराध दिल्ली में हो रहे हैं। दिल्ली में किसका कानून व्यवस्था पर नियंत्रण,